बज़्म महफिल में शमा रोशन करने, कुछ चिराग आज भी बेताब है। संगीत एक ऐसी इबादत या भक्ति है जिसे दिल से सुनो, गाओ, बजाओ या लिखो, एक सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। और इस संगीत की दुनिया में अनेक फनकार अपनी नायाब कला से दुनिया को सच्ची खुशी के मोती लुटा चुके हैं। ये शायरी की दौलत, ये शायरी की दौलत, जैसे कुंदन लाल जी सहगल, मुकेश जी, रफी साहब, किशोर दा, मन्ना दा, तलत महमूद साहब, हेमंत कुमार जी, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह जी, अनूप छलोटा जी, लता जी, आशा जी और अनगिनत नायाब फनकार व संगीतकार। आज आपके सामने एक और संगीत का चराग रोशन करने आ रहे हैं पंडित ऋषिकेश महाले। एक गायक, एक संगीतकार, एक कवि तथा एक साउंड रिकॉर्डिस्ट भी। हमें यकीन है ये अपनी बनाई हुई नई गजलों, गीतों की धुनों और अपनी आवाज से आपका दिल जीत लेंगे। तो आइए जान लेते हैं कुछ पंडित ऋषिकेश महाले जी के बारे में। इनका जन्म पुणे में सन 1970 में हुआ। घर में मां आशा महाले जी के और पिता रामचंद्र महाले जी के सांगीतिक संस्कार मिले और एक गायक कलाकार का सफर शुरू हुआ। इनके नाना जी स्वर्गीय वावी कुलकर्णी जी से 3 साल की छोटी उम्र से ही हारमोनियम और शास्त्रीय गायन की तालीम का आरंभ हुआ। 10 साल की उम्र से ये शास्त्रीय गायन का रियाज 8 से 11 घंटे हर रोज किया करते थे। इन्होंने पुणे में श्रीमती मंदाकिनी चाफड़कर जी से शास्त्रीय गायन की तालीम ली। मेरा कहे प्रभु सन 1980 से भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी से तथा स्वर्गीय पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी से गायन की शिक्षा हासिल की। मैं तो दर्शन को नित हकुला थी रही, ऐसा लागा जिया सर पे मोरा दिया, ऐसा लागा जिया सर पे मोरा। 25 साल तक स्वर्गीय पद्मभूषण जगजीत सिंह जी से प्रेरित होकर अपनी खुद की गजल गायकी और गजल संगीत शैली विकसित की। इनके अलावा स्वर्गीय पंडित बाल मुरली कृष्णन जी के साथ शास्त्रीय गायन गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1981 में इनकी पहली लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड मराठी एल्बम रिकॉर्ड हुई, जिसमें इनके खुद की 7 भक्ति रचनाएं थीं। ज्येष्ठ संगीतकार स्वर्गीय सुधीर फड़के जी का बहुमूल्य मार्गदर्शन इस एल्बम के लिए प्राप्त हुआ। इस्कॉन संस्था के लिए 1988 से 1993 तक अनेक भजन संध्या कार्यक्रम भारत भर आयोजित किए गए। वृंदावन को चली, मैं तो बंसी को अधरन
लगाती रही, मैं तो बंसी को अधभली लगाती रही ऐसा ला। इसी बीच स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी से बातचीत और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। अब तक 4,800 से भी ज्यादा शोज कॉन्सर्ट्स भारत और विदेशों में प्रस्तुत कर 4 राष्ट्रीय और 67 राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन्होंने 1990 के दशक की चंद फिल्मों में बतौर म्यूजिक अरेंजर भी काम किया है। महेंद्र कपूर जी, किशोरदा, मन्ना डे साहब, पंकज उधास जी, उदित नारायण जी, कुमार शानू जी, अलका याज्ञिक जी, अनूप जलोटा जी, जगजीत जी और कई बड़े कलाकारों के साथ अनेक रिकॉर्डिंग्स में सीखने का सुनहरा मौका मिला। इनके 24 म्यूजिक एल्बम्स, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स, कैसेट्स, सीडीज और डीवीडीज रिलीज हो चुके हैं। ये खुद एक साउंड रिकॉर्डिस्ट भी हैं। अब अपनी कशिश क्रिएशंस ऑडियो स्टूडियो अर्थात KCA स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस के जरिए ये नए गायक कलाकारों के लिए नए नए गाने, गजल और भक्ति संगीत बना के उनको एक खुद की पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं। गायन वर्कशॉप के जरिए गायन मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के गायक, संगीतकार, फनकार पंडित ऋषिकेश माहले जी को।